यहाँ पर गाड़ियाँ कम है तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है गाड़ी रोकने। ये रात के 1 बजे सुनसान किसी एक टोमोट नाम की जगह पे लाके छोड़ दिया है। रात के बज रहे हैं 3, पिछले 1 घंटों से चिल्ला रहा हूँ पूरे गांव में कि कोई जगह मिल जाए सोने की, सारे पता नहीं सो रहे हैं किस तरह। हेलो हेलो, अरे कोई जिंदा है क्या गांव में? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में ही माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में ही माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सिर्फ 19 साल का लड़का है, 40 कंट्री घूम चुका है और दुनिया का सबसे ठंडी जगह जो -72 डिग्री रहता है वहां भी जा चुका है, जो हमारे इंडिया का सिर्फ 4 व्यक्ति ही गए हैं। तो वहां उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और ये 55,000 किलोमीटर हिचहाइकिंग भी कर चुका है। हिचहाइकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं और किसी दूसरे से लिफ्ट लेके और बिना पैसे से आप ट्रैवल करते हैं, उसको हिचहाइकिंग कहते हैं, जो बिना पैसे से अपना दुनिया घूमता है दोस्तों। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों उसका नाम शुभम है, जो ये बिहार के भागलपुर मुंगेर के रहने वाले हैं। उसका जन्म 2 दिसंबर 2002 में होता है। 12 तक अपना पढ़ाई गांव से ही करता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, अपना फैमिली के साथ वो लद्दाख जाता है। लद्दाख, हिमाचल, शिमला, ऐसी बहुत ही ऐसी जगह 1 मंथ ट्रैवल करता है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं भी ट्रैवल कास्ट करता, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो अपना पढ़ाई करने के लिए चला जाता है राजस्थान, कोटा। वहाँ पे क्या होता है, अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जब इसके पास यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, वो इसका होम पेज पर एक वीडियो आता है, हाउ टू ट्रैवल विदाउट मनी इन द वर्ल्ड, मतलब बिना पैसे से आप दुनिया कैसे घूम सकते हैं। ये वीडियो ये देखा तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। ये बोला, ये तो मैं भी करते आ रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। वो ठान लिया कि आज से मैं भी अपना ट्रैवल करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर क्या होता, वो अपने धीरे धीरे छोटा छोटा ट्रैवल करते थे, मार्केट में इधर उधर करते थे। इसके बाद वो क्या होता है, एक बार जाता है जैसलमेर, बीकानेर, ऐसी बहुत ही जगह राजस्थान में ट्रैवल करते थे। वो अपना फैमिली को बताते थे कि मैं अपना कॉलेज से काम से कहीं बाहर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं बताते थे कि मैं ट्रैवल कर, एक साल तक अपना फैमिली को ये नहीं बताया कि मैं ट्रैवल करता हूँ। और ये अपना वीडियो अपना अपलोड भी नहीं किया यूट्यूब पर, क्योंकि उसके यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं था। तो फिर क्या होता है, 2017 की बात है, सितंबर में अपना फैमिली को बोलता है कि मैं आप पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं अपना ट्रैवल पे पूरा ध्यान दूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। उसका मम्मी पापा बहुत समझाता कि ये सब मत कर, ये सब कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो ठान लेता कि मुझे ट्रैवल ही करना है। तो फिर क्या होता है, 2017 सितंबर में वो उसका फर्स्ट ट्रैवल रहता है दूसरा कंट्री, मतलब तो वो बोलता है कि मैं अपने इंडिया तो थोड़ा बहुत घूम लिया हूँ, लेकिन अब मैं दूसरा कंट्री जाना चाहता हूँ। इसका फर्स्ट ट्रैवल रहता है रशिया, कजाकिस्तान, वहाँ जाता है। फिर वो फर्स्ट ट्रैवल में स्टार्टिंग में डर भी होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसका डर गैप तो होते जाता है, मतलब डर खत्म हो जाता है। वो अभी भी ट्रैवल कर रहा है, वो अभी यूक्रेन में है। वो कहते हैं कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं पैसा ना के बराबर खर्च करता हूँ, मैं ज़्यादातर हिचहाइकिंग करके अपना ट्रैवल करता हूँ, बिना पैसा खर्च किए मैं ट्रैवल करता हूँ। वो आप भी कर सकते हो, इसका कहना ये है कि आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक हिम्मत होना चाहिए और दूसरे से बात करने का तरीका होना चाहिए, इसका कहना ये है। और ये दूसरे कंट्री में किसी, ज़्यादातर होटल में रहते नहीं है, जहाँ वो किसी न किसी से हेल्प मांगते हैं, किसी घर के पास जाते हैं कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मुझे रहने में दीजिए, तो जो अच्छा रहता है वो रहने देते, नहीं तो वो क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन भी सो जाते हैं, वो अपना खुद कैंप भी लगा के सो जाते हैं कहीं भी, ये पुलिस स्टेशन भी जाके सो जाते हैं। और ये अभी 4 साल से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ट्रैवल था रशिया, तो 1.5 साल तक लगातार ट्रैवल किया, फिर अपने गांव आया, फिर अभी यूक्रेन में है, अभी लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसका एक ही सपना है कि मैं पूरा दुनिया घूमूं। तो कहते हैं ना, जो ठान लोगे वही होगा, नहीं ठानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादातर हिचहाइकिंग से ही ट्रैवल करते हैं, जो अभी तक 55,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये आम बात नहीं है दोस्तों। और ये न्यूज़ पे भी आ चुका है, जो ABP न्यूज़ है उस पे भी आ चुका है। कहते हैं ना, अपना पैशन को फॉलो करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो शुभम जी अपना पैशन को फॉलो किया, आज वो उसको पूरा दुनिया जानते हैं।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप भी चाहते हो दोस्तों, आप भी घूम सकते हो, आपका भी जो सपना है वो पूरा हो सकता है, लेकिन अपना पैशन को फॉलो करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।